स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा इसका ये पार्ट 3 है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस एकेडमिक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग फंक्शंस कोई 4 स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में लिखने के लिए बहुत पूछता रहता है यूनिवर्सिटीज में। इसके अंदर हम 3 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वल्स, इक्वल इग्नोर केस और कंपेयर टू। ये तीनों फंक्शंस है, ये तीनों भी फंक्शंस स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है, या नहीं तो कौन स्ट्रिंग बड़ा है कौन स्ट्रिंग छोटा है, ये देखने के लिए हम लोग ये 3 फंक्शन यूज़ करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल आप समझ जाओगे तो थीरी अपने आप समझ जाओगे। चलिए हम यहाँ 3 एक क्लास लिख लिया, उसके अंदर मेन फंक्शन लिख लिए हैं, 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं स्ट्रिंग का। और ऐसा भी बना सकते हैं स्ट्रिंग को, S1 का वैल्यू होगा हेलो, S2 का वैल्यू होगा वो भी हेलो, S3 का वैल्यू बट स्मॉल H है उसका। तो ये 3 ऑब्जेक्ट हम बना लेने के बाद आप देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन का आउटपुट S1 में क्या लिखा हुआ है, तो हेलो ये प्रिंट होता है एज इट इज, HELLO हेलो प्रिंट, HELLO हेलो प्रिंट होगा यहाँ पे। यस, जब कभी भी स्ट्रिंग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा। इक्वल्स ये तो डबल कोड के अंदर है, वो तो इक्वल्स ऐसा ही प्रिंट होगा। इक्वल्स S2 तो वो डबल कोड के अंदर नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट है वेरिएबल है, उसका वैल्यू आना चाहिए, उसका वैल्यू भी क्या है HELLO हेलो। और एक कोलन डबल कोड के अंदर है तो कोलन एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा देखेंगे, ये इक्वल्स मेथड आपको जो दिख रहा है ये मेथड स्ट्रिंग क्लास का है, इसलिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इसे कॉल करना है और एक स्ट्रिंग को पास करना है पैरामीटर जैसा। एक स्ट्रिंग को हमें देना है पैरामीटर के रूप में, पैरामीटर जैसा पास करना है, एक ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से हमें कॉल करते हैं। अब ये इक्वल मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड है, वो मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को लेके जिस स्ट्रिंग से वो कॉल हुआ है दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, दोनों में क्या है हेलो है, इसका भी वैल्यू हेलो है, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, तो ये आपको ट्रू बोल के प्रिंट हो जाएगा, ऐसा ट्रू बोल के प्रिंट हो जाएगा, ये इसका आउटपुट था। अच्छा तो यहाँ कॉल आप कर दिए हैं, तो यहाँ कॉल करते बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा इसको जरा एक बार बाहर कॉल करके बताता हूँ आपको, तो यहाँ तो x दे देंगे, x का वैल्यू यहीं ही निकाल देंगे हम, देखते हैं क्या होता है। देखो एक बुलियन वेरिएबल लेना है। देखिए एक बुलियन वेरिएबल लेना है, इक्वल टू देना है, उसके बाद s1 dot equals s2। देखो ये तो आप देखे थे, ये फंक्शन को मैं यहाँ कॉल किया था वो तो डायरेक्ट यहाँ ही लिखा हूँ मैं, बट इसका आंसर जब आएगा उसका आंसर क्या आ रहा था, ट्रू आर फॉल्स आ रहा था, इसलिए वो लेफ्ट साइड में बुलियन वेरिएबल रखे। कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो वो आंसर क्या दे रहा है, क्या टाइप का वैल्यू दे रहा है देखे लेफ्ट साइड। अभी ये x को यहाँ लगा सकते थे या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ फंक्शन को लगा सकते हैं, बट यहाँ करते हैं तो आपको कमांड अच्छा आएगा कि फंक्शन को कॉल करने के लिए तो लेफ्ट साइड में क्या वेरिएबल देना है, कैसा कॉल करना है, अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ क्या है जस्ट आंसर आके प्रिंट हो जाता डायरेक्ट। अच्छा वही अभी पुराना मेथड लेके चलते हैं। अच्छा अभी यहाँ क्या प्रिंट हो गया आपको, ट्रू प्रिंट हो गया। देखिए अब इसका रिजल्ट क्या आता देखेंगे, S1 equals S2, यहाँ तो S1 का वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ S3 का वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ कोलन तो एज इट इज प्रिंट होगा, इक्वल्स भी एज इट इज प्रिंट होगा, बट यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि ये इक्वल मेथड किस दोनों को कंपेयर करेगा, S1 और S3 को कंपेयर करेगा, इसमें क्या है H कैपिटल है इसमें स्मॉल है, इसके कारण क्या होता है कि ये इसके कारण तो यहाँ फॉल्स आ गया, क्योंकि इक्वल मेथड ये चाहता है कि कैरेक्टर अब केस भी मैच हो जाए, और तो उसके जगह आप चाहते हैं कि उसका भी रिजल्ट ट्रू आए, कैपिटल एच स्मॉल एच को इग्नोर कर दे, वो केस को इग्नोर कर दे दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करते वक्त, तो चाहेंगे तो आप ये फंक्शन यूज़ करो इक्वल इग्नोर केस। अब ये फंक्शन जब S1 S3 को कंपेयर करता है तो ये तो दे देगा रिजल्ट ट्रू, क्योंकि ये है ना केस को इग्नोर करता है, कैपिटल केस एक तरफ है एक तरफ स्मॉल केस है, तो कोई उसे दिक्कत नहीं है, स्मॉल एच और कैपिटल एच वो ट्रू दे देगा। अब कंपेयर टू की बात है, ये कंपेयर टू क्या करता है, ये फंक्शन इक्वल और इक्वल इग्नोर केस क्या है ट्रू और फॉल्स देते हैं, बट कंपेयर टू क्या करता है तो है थोड़ा मैं आपको रफली बताता हूँ, समझो एक नेम है धीरज, एक धीरज है समझो, एक आके अरविंद है, एक धीरज है एक अरविंद, दोनों स्ट्रिंग को जब कंपेयर करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 3, इसका क्योंकि आस्की वैल्यूज का कंपेयर करता है,
ए का ASCII वैल्यू कितना है 65 है, बी का ASCII वैल्यू कितना है 66 है, ऐसा करके डी का वैल्यू कितना आएगा 68, ये 65 है, ये एक का 68 में से 65 जाएगा तो 3 आएगा, ऐसा इसका कंपैरिजन होता है। हर कैरेक्टर को अंदर में उसका इक्विवेलेंट वैल्यू एक रहता है, वो वैल्यू को ये ASCII वैल्यू बोलते हैं, वो ASCII वैल्यू का कंपेयर करता है। तो कहीं फर्स्ट लेटर इक्वल, अब पूरा लेटर्स इक्वल होंगे, इसका भी धीरज होगा तो क्या होगा, तो जब जीरो रिजल्ट जीरो आएगा, तो रिजल्ट जीरो आएगा मतलब दोनों स्ट्रीम इक्वल है। एक समझो धीरज कुमार है, एक धीरज है, तो देखिए ये स्ट्रिंग खत्म हो गया, स्ट्रिंग खत्म होने का मतलब इसका ये वैल्यू जो स्ट्रिंग एंड होने के बाद यहाँ नल कैरेक्टर रहता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। यहाँ स्पेस है, स्पेस का वैल्यू 32 होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर का एक अंदर में एक वैल्यू होता है, तो 32 है वो 32 आएगा, 32 माइनस जीरो आएगा। और एक आप देखिएगा, एक एक तो धीरज था और एक समझो कि और एक कोई दूसरा स्ट्रिंग। अब इसका देखें, एक अरुण हो गया, एक अर्जुन हो गया, तो इसका कंपैरिजन रिजल्ट क्या आएगा, तो फर्स्ट लेटर देखा तो सेम है, सेकंड लेटर देखा तो सेम है, और ये थर्ड लेटर अलग अलग है, थर्ड लेटर डिफरेंट है, तो जहाँ डिफरेंट आएगा उसका डिफरेंट दे देगा, यू माइनस जे करेगा ASCII वैल्यू के हिसाब से, जो आना है आ जाएगा, बस वहाँ रोक देगा। तो ये किस लिए काम आएगा, तो कोसा स्ट्रिंग बड़ा है कोसा स्ट्रिंग छोटा है इससे पता चलता है। आप समझो अरुण है तो फर्स्ट दो लेटर इक्वल है, थर्ड लेटर में कौन बड़ा है, यू बड़ा है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आया तो समझना कि वो जो स्ट्रिंग था पहला वाला वो बड़ा है, ये छोटा है, इससे क्या फायदा। तो स्ट्रिंग्स को कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो आप क्या करेंगे, हम तो कंपेयर करना पड़ता ना, कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग को, जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो समझना पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा था। अब यहाँ देखिए S1 कंपेयर टू S2, S1 में से S2 को ये माइनस करेगा, ये दोनों को कंपेयर करेगा, इसका फर्स्ट लेटर लेगा माइनस इसका फर्स्ट लेटर, सेम आ गया जीरो आ गया रिजल्ट तो सेम है, फिर डिफरेंट आई तक करेगा, डिफरेंट आने के बाद वो रिजल्ट लेकर स्टॉप हो जाएगा। देखिए S1 S2 को कंपेयर करेंगे तो इसका तो रिजल्ट जीरो आएगा, और S1 S3 को जब कंपेयर करता है, देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, H है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल H है, माइनस 32 आएगा, क्योंकि कैपिटल H से अब कैपिटल A का ASCII वैल्यू 65 है, सॉरी कैपिटल A का, कैपिटल A का वैल्यू 65 है तो स्मॉल A का 97 है, 32 का डिफरेंट आएगा। देखिए दोनों को 32 का, ए को 32 का डिफरेंट आएगा, बी को 32 का डिफरेंट आएगा। अब यहाँ ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच था, ये कैपिटल एच में से स्मॉल एच जाएगा तो माइनस 32 आएगा। यहाँ उल्टा कंपेयर कर रहे हैं, यस थ्री यस वन, यस वन में से यस वन निकाल, यस थ्री में से यस वन निकालना है, यस थ्री का फर्स्ट लेटर स्मॉल एच है, उसके लेटर्स में से आप कैपिटल एच निकालोगे प्लस 32 आएगा। इनका रिजल्ट ऐसे आते हैं, एक बार रन करके देख लीजिए, कंप्लीट आउटपुट आप देख सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, H1 S2 का तो दोनों भी सेम है, S1 और S2 दो भी सेम होने की वजह से जीरो आएगा, तो ऐसा आएगा S1 कंपेयर टू S2, S1 की जगह हेलो आएगा, इसकी जगह भी हेलो आएगा, कोलन, यहाँ पे जीरो आएगा, उनका डिफरेंट प्रिंट हो गया। ये है कंपैरिजन। थैंक यू।